वेलकम बैक टू एफ इनोवेटिस। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट जो कि मॉनसून सीज़न के लिए बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट होने वाला है, और इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल और इसको हमने कैसे यूज़ किया हुआ है। पहले भी हम ले चुके हैं, अब ये हमने दूसरा प्रोडक्ट लिया हुआ है उसी से मिलता जुलता सिमिलर, थोड़ा उससे ज़्यादा महंगा लिया है, पहले सस्ता लिया था, तो वो भी बताएंगे, ये भी बताएंगे, दोनों का कंपैरिजन भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अच्छा, प्रोडक्ट कौन सा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एफ इनोवेटिव्स, और आज मैं आपके सामने रिव्यू करने जा रही हूँ एक और मैट्रेस प्रोटेक्टर का, जो कि मैंने बाय किया हुआ है मीशो से। और इस पे से बहुत डर डर के बाय करना पड़ती हैं चीज़ें, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि इसके ऊपर बहुत सोच समझ के चीज़ें लेना पड़ती हैं, अक्सर क्वालिटी के अंदर बहुत सही चीज़ें नहीं मिलती है, बहुत कम ही तौर से ऐसा होता है कि अच्छी चीज़ें क्वालिटी में मिल जाए। तो ये मैंने बाय किया हुआ है मीशो से, रेटिंग इसकी अच्छी थी, 4 पॉइंट कुछ ऊपर ऊपर थी, अच्छी थी, अबव थी। तो ये मैट्रेस प्रोटेक्टर जैसा दिखाया गया था ब्लैक में, देखो आप प्रॉपर वो ही निकल कर आया बाहर। तो ये जो था ना यहाँ पे, तो एक टिक हो गया कि हाँ चीज़ जो दिखाई थी वो आई है। उसके बाद जब हमने इसको मसल के देखा, पकड़ के देखा, फील करके देखा, तो ये काफ़ी सॉफ्ट सा एकदम प्लास्टिक टाइप का कुछ मटेरियल था, इट इज़ लाइक अ रेनकोट। तो जैसे आप लोग रेनकोट पहनते हैं ना बारिश से बचने के लिए, ऐसे आप अपने बेड को भी रेनकोट पहना सकते हैं, तो वो भी बारिश से बचा रहेगा, गीला नहीं होगा। और कुछ भी गिरता है बेड के ऊपर तो आपका जो मैट्रेस है, जो गद्दा है, एक्सपेंसिव आते हैं गद्दे जो आपके, वो ख़राब नहीं होंगे। तो चलिए टेस्ट कर लेते हैं कि कितना अच्छा है ये प्रोडक्ट, और फिर देखते हैं कि कैसा रहने वाला है, आपको बाय करना चाहिए या नहीं। ओ गॉड, मुझे तो लग रहा है कि गीला हो गया ये, लेकिन शायद ऊपर से ही गीला है बस। नहीं यार, दादा नहीं फैलाती मैं वहाँ तक, ऐसा नहीं गीला हो जाए और फिर रिप्लेस भी नहीं कर पाया मैं इसे। चलो नीचे देखते हैं, चेक करते हैं, इसको पोछ देते हैं फिर चेक करते हैं। पोछू का ऐसे एक टॉवल लेती हूँ, रफली पोछ देती हूँ। वाह, तो साफ हो गया नूरन। अरे वाह यार, तो साफ हो गया है, ये साफ हो गया। गीला गीला सा फील हो रहा है, ये गीला गीला तो फील हो रहा है बट साफ हो गया इससे, मतलब इसके ऊपर हम बेडशीट आराम से बिछा सकते हैं, 2 मिनट में सूख जाएगा। चलो हटा के देखते हैं नीचे तक गया कि नहीं गया। नीचे नहीं आया, नीचे बिल्कुल सूखा है। तो ये वर्थ ले सकते हो आप, है ठीक है, चीज़ है, काम की है, ले लो। इससे भी महंगे आते हैं, 600 तक के, 700 तक के भी मैट्रेस प्रोटेक्टर आते हैं, लेकिन मैं एक बात बताऊं, वो भी मैं कभी मंगा के आपको डेमो करके दूंगी, फिलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि वो इसलिए होते हैं कि वो पूरा, जैसे आप एक बेडशीट बिछा दो ना आपके बेड पे, इस तरह से उसको बिछा दो, वो पूरा कवर कर लेगा, उस पर एक लेयर होती है मोटी सी, अगर वो गीला हुआ तो लेयर गीली होगी, फिर आपको कभी वॉश करना है तो वो पूरा उठाओ और फिर वो मशीन में जाना है धुलेगा, और वो गीला होता है तो गीला ही रहेगा। तो मुझे ये चीज़ मानसून के हिसाब से ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि यहीं के यहीं सूख जाती है, और फिर आप इसको तुरंत इंस्टेंटली इस पर बेडशीट डाल के, या बेडशीट चेंज कर दिए, हमने बस बेडशीट बदली, इधर से दूसरी बिछाई, और फिर यूज़ करने लायक हमारे पास बेड हो जाता था, गीला गीला नहीं रहता। तो मॉनसून के लिए ये जो है बेस्ट प्रोडक्ट है, यू कैन बाय, और लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, कंपैरिजन मैंने आपको बता दिया, इसका भी लिंक डाल दूंगी, वैसे तो ये चैनल पर डला हुआ है ऑलरेडी, इसका भी लिंक डाल दूंगी। ये थोड़ा सा कम बजट में, मतलब 150 तक के अंदर, या 150 से थोड़ा ऊपर नीचे अगर आपको चाहिए, 200 के अंदर, तो ये चीज़ आप ले सकते हो। ये आपको 300-400 के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा प्राइस में कंफ्यूज हो गई हूँ, बट ये महंगा है एंड ये सस्ता है, तो दोनों चीज़ें हैं, दोनों यूज़ कर सकते हो मॉनसून के लिए, 1-1.5 साल इसको भी आराम से चला सकते हो, और ऑब्वियसली जब ये 1-1.5 साल चल सकता है तो ये तो भाई उससे ज़्यादा ही चल जाएगा। हमारा पानी पड़ा हुआ है, और ये रही हमारी नूरेन, और अभी हम खाना खा के उठे हैं, और अभी हारी देखो इसने क्या किया, यहाँ पर मैंने चादर डाला हुआ था, बेडशीट बिछा दिया था, इन्हें यहाँ पे गीला कर दिया, ठीक है। तो ये इसने अभी हाल ही कांड कर दिया, दिख रहा है। तो हमने मैट्रेस प्रोटेक्टर डाला था, फिर उस पर से ये बेडशीट डाला हुआ है, और उन्हें इस पर पानी डाल दिया पहले, तो मैंने कहा यार ये दिखा देती हूँ आप लोग को कि क्या हाल है इसके। सो ये हमारी रही बेडशीट, मैं इसको हटाती हूँ, ठीक है, ये गीला आपको दिख रहा होगा यहाँ, तो ये देखो फिर ये बेडशीट ने सोख कर लिया है, वैसे कुछ काफ़ी कुछ फिर अंदर भी गया होगा, क्योंकि इसने पूरा गिलास भर के पानी यहाँ फेंका हुआ है, तो ये सारा पानी ना ऊपर रुका हुआ है इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर ही रुका हुआ है, और ये नीचे से बिल्कुल ड्राई है, ये पूरा सूखा है, पूरा सूखा है।
ये यहीं के यहीं सूख गया है, मतलब देखो आप सूख भी क्या गया है, यहीं के यहीं आप इसको साफ़ कर दो तो सूख जाएगा, बस आपको एक कपड़ा मारना है इस पर। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट है, मानसून के लिए बहुत अच्छा है। कुछ भी चीज़ बेड पर गिरती है तो आपका बेड या मेट्रेस गंदा नहीं होगा। क्वालिटी इसकी ज़्यादा अच्छी है, थोड़ा सा पैसा इसका ज़्यादा गया है इसलिए। उसकी क्वालिटी थोड़ी हल्की है, ये थोड़ा मोटा है, वो थोड़ा पतला था। दोनों का कंपेरिजन आपको बता दिया है, दोनों ही आप बाय कर सकते हैं, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।